हत्या से फैली क्षेत्र में सनसनी। पति ने ही पति को कुल्हाड़ी से वार करके मौत के घाट उतारा। छिंदवाड़ा जिला क्राइम में नंबर वन बनता जा रहा है। जिले से लगे क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पाठाडाना फोकट नगर में सुबह 5:30 बजे पति द्वारा अपनी पत्नी और साली पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिसमें पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। प्रदेश में नंबर वन छिंदवाड़ा क्राइम में देखने को मिलता जा रहा है। पिछले 7 से 8 महीने में जितने क्राइम, डकैती, लूट, चोरी और मर्डर जैसी वारदातें देखने को मिली, शायद इससे पहले कभी भी छिंदवाड़ा वासियों ने नहीं देखी। आज फिर एक पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतारा, साथ में साली को भी घायल किया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर बताई जा रही। डॉक्टर के द्वारा पूरा मामला छिंदवाड़ा के पाठाडाना फोकट नगर क्षेत्र की है, जहां सुबह 5:30 बजे आपसी विवाद में पति ने पत्नी और साली पर जानलेवा हमला किया, जिसमें पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं साली को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति कालीचरण घटना स्थल से फरार हो गया। पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपी पति को पकड़ने के लिए अलर्ट जारी किया। वहीं घटना स्थल पर पहुंचे CSP अशोक तिवारी और कोतवाली पुलिस निरीक्षक विनोद कुशवाहा ने जांच शुरू की। CTN भारत से रोशन सिंगनापुरी की रिपोर्ट, छिंदवाड़ा। किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी मारकर पाखड़ेडाना चंदन गांव में हत्या कर दी। सूचना आधार पर मौके पहुंचा, जहां एक महिला का शव पड़ा हुआ था। उसकी बहन पुष्पा ने बताया, उसकी बहन माला का शव है। सिर्फ पति कालीचरण प्रजापति द्वारा उसकी हत्या कर दी गई सुबह 5:30 करीब। तथा साथ में ही उसने अपनी एक और साली पप्पी, जो दूसरे कमरे में सोई थी, उस पर भी कुल्हाड़ी से वार किया। जब इन लोगों ने पकड़ने का प्रयास किया तो पीछे एक तरफ से कूद के भाग गया। जो प्रथम जानकारी मिली है कि उनके बीच में विवाद होता रहता था, उसके चरित्र पर शंका लेकर उनको रोक टोक करता था, मोबाइल पर बात करने से मना करता था, इसी बात पर इनका विवाद होता था। संभवतः इन्हीं बातों के चलते उसके द्वारा हत्या की गई। आरोपी सर अभी फरार है। हाँ, कूद के भाग गया। पुलिस टीम लगी हुई है चारों तरफ, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और पीछे जो भी निकासी के मार्ग हैं, उन सभी पर पुलिस फोर्स डिप्लॉयड किया और सर्चिंग की जा रही है। पुलिस अधिकारी मौके पर आ चुके हैं। एफएसएल अधिकारी यहाँ मौके पर थे, उनके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया।